कल जेड़े ने अफवाह फैलाइया सी किशा जी ट्वेंटी इत्थे होना ही नहीं या उन्हीं ओ ये उन्हां दी बखलाहट है जां उन्हां दी ये कल कह लो कि जल्दबाजी है कि भगवंत मान नूं बदनाम करन लई जां गौरमेंट नूं बदनाम करन लई इत्थे के पंजाब नूं बदनाम करन लई कोई मौका नहीं छड़दे पर कहिंदे एक वारी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दो तो अपने तो पहला ना कोई गालां कढ़ जे भगवंत मान नूं सो मैं उन्होंने ये कहना चाहना पंजाब जिहड़ा है वो इंटरनेशनल समिट कराउण दे काबिल है बड़े बड़े फंक्शन पंजाब जिहड़ा होस्ट कर चुके है श्री अमृतसर साहब विखे अज श्री अमृतसर साहब विखे मैं आया आने वाले दिनों जी ट्वेंटी दे दो सम्मेलन अमृतसर साहब च होने जा रहे ने एजुकेशन ते लेबर ते उहदियां की तैयारियां ने डिप्टी कमिश्नर साहब उन्हां तों जानकारी ली है और क्योंकि हजे दस दिन हैगे ने उन्हां दस दिनों च की होर अच्छा हो सकता है ताकि प्रशासन जिहड़ा दिन रात काम करे और वैसे भी कल्ले जी ट्वेंटी लई नहीं अमृतसर साहब जिहड़ा है साडा पवित्र शहर है इहनूं तां सब तों खूबसूरत शहर बहुत चिर पहलां बन जाणा चाहीदा सी सो असीं इहनूं एक खूबसूरत शहर बनावांगे कि जिहड़ा अमृतसर एक बारी आवे वह एक बारी ये प्रभाव जरूर लैके जाए कि हाँ कितने गए सी गुरु की नगरी च गए सी ते बाकी कल जिहड़े ने अफवाह फैलाइया सी किशा जी ट्वेंटी इत्थे होना ही नहीं या होनी वह ये उन्हां दी बखलाहट है जां उन्हां दी ये कल कह लो कि जल्दबाजी है कि वह भगवंत मान नूं बदनाम करन लई जां गौरमेंट नूं बदनाम करन लई इत्थे के पंजाब नूं बदनाम करन लई कोई मौका नहीं छड़दे भावें वह खबर गलत ही होवे पर कहिंदे इक वारी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दो तो अपने तो पहला ना कोई गालां कढ जे भगवंत मान नूं सो मैं उन्हां नूं ये कहना चाहुंदा पंजाब जिहड़ा है वह इंटरनेशनल समिट कराउण दे काबिल है बड़े बड़े फंक्शन पंजाब जिहड़ा होस्ट कर चुके है सो इस करके जी ट्वेंटी सम्मेलन ऐसा होगा देश पूरे देश दे विच 200 जी ट्वेंटी सम्मेलन हो रहे हैं कैटेगरी वाइज तो जदों रेटिंग होवे तां पंजाब दा नंबर पहला आवे इस मामले च कि असीं वैसे भी मेज़बानी लई मन्ने होए आ वी आर नोन फॉर आर होस्पिटैलिटी सो असीं उन्हां नूं दरबार साहब लैके जावांगे असीं उन्हां नूं स्कूल दिखावांगे असीं खालसा कॉलेज दिखावांगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दिखावांगे अपना कल्चर दिखावांगे सो जिथे जिथे भी वो जिहड़े उन्हां दे जिहड़े विदेशां तों आए मेहमान ने वो जाना चाहुणगे असीं उन्हां लई बिल्कुल ओपन आ वो जिथे मर्जी अपना जा सकन नहीं नहीं कल जी ट्वेंटी करके नहीं वैसे भी गुरु की नगरी अमृतसर साहब नूं असीं खूबसूरत बनाउणा उह साडे एजेंडे ते है सो इत्थे लॉ एंड ऑर्डर भी इत्थे प्रशासन भी सारा मिलके काम कर रहे हैं और मैनू अज संतुष्टि हुई है कि जो असी सोच रहे सी कि इन्नी तरीक तक ये काम हो जूगा इस तों बाद ये काम हो जूगा वो हुण बिल्कुल लीते है तो आम लोग भी कहन लगे ने कि अमृतसर च बदलाव जिहड़ा है अमृतसर की शहर की दिख जिहड़ी है वो बदल लई गौरमेंट नूं बदनाम करन लई इत्थे के पंजाब नूं बदनाम करन लई कोई मौका नहीं छड़दे भावें वह खबर गलत ही होवे पर कहिंदे इक वारी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दो अपने तो पहला ना कोई गालां कढ जे भगवंत मान सो मैं उन्होंने ये कहना चाहना पंजाब जिहड़ा है वो इंटरनेशनल समिट कराउण दे काबिल है बड़े बड़े फंक्शन पंजाब जिहड़ा होस्ट कर चुके है सो इस करके जी ट्वेंटी सम्मेलन ऐसा होगा देश पूरे देश दे विच 200 जी ट्वेंटी सम्मेलन हो रहे हैं कैटेगरी वाइज तो जदों रेटिंग होवे ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਆਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰ ਨੋਨ ਫੋਰ ਆਰ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟਵੈਂਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜੀ ਟਵੈਂਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।